Hi everyone welcome in my channel All in One Learners today we will do class 7 chapter 5 acid base and salts in our last video we have studied about acid base and indicators in this video we will study about natural indicators around us so students let's we start natural indicators around us व्हाट इज द नेचुरल इंडिकेटर्स इन आवर प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था कि एसिड्स क्या होते हैं जो टेस्ट में सोर होते हैं उन्हें एसिड्स कहते हैं और जो टेस्ट में बेटर होते हैं सब्सटेंसेज उनको हम बेस कहते हैं अब हम विदाउट टेस्टिंग सब्सटेंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस नेचर में एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस नेचर में बेसिक है बट इनको हमें विदाउट टेस्टिंग फाइंड करने के लिए हम कुछ अदर सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं जिनको हम कहते हैं इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स लाइक ये अपने कलर को चेंज करके इंडिकेट करते हैं कि जो सब्सटेंस है उसकी नेचर एसिडिक है और बेसिक है तो हमने लास्ट वीडियो में इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी कर लिया था अब इस वीडियो में आज हम नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं लास्ट वीडियो में हमने टर्मिनिक चाइना रोज ये सभी इंडिकेटर्स थे लिटमस ये सभी कैसे इंडिकेटर्स थे हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स थे क्लियर चलिए तो शुरू करते हैं लिटमस आर नेचुरल डाय द मोस्ट कॉमन यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस इट इज एक्सट्रेक्टेड फ्रॉम लाइक हमारे सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाला इंडिकेटर्स कौन सा है ये हमारा इंडिकेटर आता है लिटमस लिटमस जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडिकेटर कॉमन इंडिकेटर होता है इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लेबोर्ट्रीज में लिटमस पेपर्स का यूज़ किया जाता है और ये जो लिटमस जो होता है इसको हम लाइकेंस ये जो प्लांट्स होते हैं इनसे हम फाइंड आउट करते हैं क्लियर तो इट हैज़ अ मावा पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर ये कैसा कलर का होता है पर्पल कलर का होता है वैन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन जब हम इसको किसी एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं इट टर्न्स रेड एंड वैन एडेड टू द बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू तो जब हम लिटमस पेपर को किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में करते हैं ये नेचर में कैसा होता है बेसिक नेचर में पर्पल कलर का होता है लेकिन जब इसको हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है तो रेड कलर में कन्वर्ट होना इसका कंडिकेशन देते है है कि जो हमारा सब्सटेंसेस है वो कैसा है नेचर में एसिडिक है और जब हम कि इसको किसी सब्सटेंस में डिप करते हैं और ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है तो वो क्या इंडिकेशन होता है कि जो हमारा सब्सटेंस है जो सॉल्यूशन है वो नेचर में कैसा है हमारा बेसिक है क्लियर तो इट इज टर्न्स रेड व्हेन एट टू द बेसिक सॉल्यूशन तो ये क्या होता है जब हम इसको एसिड में करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट uh, हो जाता है हमारा रेड में कन्वर्ट हो जाता है और जब हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में करते हैं तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है इट इज़ अवेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन ये हमारे uh, हमें सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिलता है और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ द पेपर नोन एज द लिटमस पेपर और ये हमें स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी मिलता है लिटमस पेपर्स की छोटी छोटी स्ट्रिप्स आती हैं उस फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और इसको जर्नली हम रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर के नाम से जानते हैं क्लियर तो ये हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है नेचुरल डाई है लिटमस जो हमें लाइकिन जो प्लांट होता है उससे हम इसको ऑप्टेन करते हैं क्लियर

करते हैं कहाँ से ऑप्टेन करते हैं क्लियर तो एसिटिक एसिड जो होता है हमारा उसे हम नेचुरल जो हम अपनी लैंग्वेज होती है उसमें हम विनेगर कहते हैं फॉर्मिक एसिड आंट स्ट्रिंग जो आंट बाइट करती है ना जब चीटी खा जाती है तो चीटी खाने के बाद जो हमारी बॉडी पे इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है जलना स्टार्ट हो जाती है वो जो इरिटेशन होती है वो बिकॉज ऑफ फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है क्योंकि जो चीटी जो काटती है तो उसकी जो आंट बाइट होती है जो उसके स्ट्रिंग होते हैं उनमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट रहता है क्लियर सिट्रिक फ्रूट्स ऑ ऑरेंज लेम एक्सेट्रा इनमें जो सिट्रिक एसिड होता है ये हमारे सभी खट्टे जो फल होते हैं जो फ्रूट्स होते हैं लाइक लेमन है ऑरेंज like है इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है नेक्स्ट लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड हमारा कर्ड में प्रेजेंट होता है दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है ऑक्जिलिक एसिड स्पिनिज और हमारा टमाटो uh, में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड आंवला और सिट्रिक फूड्स में पाया जाता है विटामिन सी के फॉर्म में भी कहते हैं विटामिन सी जो होता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड होता है ये और ये आंवला और खटे फलों में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड ये टर्मिनेट ग्रेप्स अनरपिन मैंगोज इन सभी में पाया जाता है ऑल द एसिड्स मैंशन अबव द अकर इन नेचर ये जितने भी जो एसिड्स हमें नेचर में फाउंड होते हैं उन उनको मैंशन किया गया है अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको नेम ऑफ द बेस एंड फाउंड इन और ये बेस के नाम बताए गए हैं नेचर में जो फाउंड होते हैं हमें लाइक कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड लाइम वाटर चूने के चूने के नाम से जानते हैं उसको जर्नली हम अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड विंडो के जो ग्लासेज होते हैं उनको एज क्लीनर यूज करते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐसा सोप यूज़ किया जाता है इनको सोप में मिलता है ये और

न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होते हैं व्हाट इज द न्यूट्रल तो न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं ऐसे सॉल्यूशंस जो या ऐसे सब्सटेंस जो ना ही एसिडिक हो ना ही बेसिक हो उन्हें हम न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहते हैं मींस सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंसेस लाइक एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन डिस्टल वाटर मींस ऐसे सब्सटेंसेस जो ना ही एसिडिक हैं ना ही बेस के फॉर्म में आते हैं वो न्यूट्रल कहलाते हैं क्योंकि इनमें ना ही एसिडिक नेचर होता है और ना ही इनका बेसिक नेचर होता है और जब हम इनको लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं तब ये अपना कलर भी चेंज नहीं करते हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे ये न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहलाते हैं क्लियर तो नेक्स्ट हम आते हैं अनदर नेचुरल इंडिकेटर टर्मेरिक टर्मेरिक मींस होता है हल्दी टर्मेरिक एक हमारा अनदर नेचुरल इंडिकेटर है टर्मेरिक को भी हम एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं क्लियर टू यूज टर्मेरिक एज एन इंडिकेटर इट इज़ अ जर्नली मिक्सड विद द वाटर टू फॉर्म अ पेस्ट विच इज देन पुट ऑन ब्लोटिंग पेपर एंड ड्राइड फ्राम इट्स स्ट्रिप ऑफ सम पेपर यहाँ पर हम देखिए टर्मेरिक को एज अ इंडिकेटर यूज़ करने के लिए जर्नलिस्ट को हम क्या करते हैं वाटर में मिक्स करते हैं और इसका पेस्ट बनाते हैं और पेस्ट बनाने के बाद इसको ब्लॉटिंग पेपर पर इस, ए, इसको हम ड्राई करने रख देते हैं और ड्राई जब हो जाती है और इसकी छोटी छोटी स्ट्रिप्स बना लेते हैं जस्ट लाइक हमने जैसे लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स होती हैं इनकी भी इनको भी हम स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर लेते हैं क्लियर द टर्मरिक पेपर इज दैन पुट इन टू द सोल्यूशन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन देयर एसिडिक और एल्काइन नेचर और फिर जो टर्मरिक का जो पेपर होता है उसको हम सोल्यूशंस में डिप करते हैं सोल्यूशंस की नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनकी नेचर नेचर कैसी है एसिडिक है या उनकी नेचर बेसिक है समटाइम्स टर्मरिक सोल्यूशन इज आल्सो यूज इन द इंडिकेटर और कभी कभी हम टर्मरिक सोल्यूशंस का भी यूज़ करते हैं एज अ इंडिकेटर्स क्लियर तो अगर हम जब टर्मिनिक को यहाँ पर टेबल हमें गिविन है टेबल नंबर फाइव पॉइंट थ्री में यहाँ पर हमें टेस्ट सॉल्यूशंस दिए हैं इन टेस्ट सॉल्यूशंस को हमें टेस्ट करके बताना है इफ़ेक्ट ऑन द टर्मिनिक सॉल्यूशन कि इनका टर्मिनिक सॉल्यूशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है और उनके रिमार्क भी लिखने हैं कि ये नेचर में एसिडिक है और या न्यूट्रल हैं या फिर बेसिक हैं एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल तीनों चीज़ें इसमें हम इनको इंडिकेट करेंगे तो सबसे फर्स्ट जो है हमारा यहाँ पर लेमन जूस लेमन जूस में जब हम टर्मिनिक सॉल्यूशन को टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या आता है नो no चेंज आता है और इसके रिमार्क में हम एसिडिक और न्यूट्रल दोनों लिख सकते हैं क्योंकि इसमें नो no चेंज है क्लियर ऑरेंज जूस सेम नो चेंज एसिडिक और न्यूट्रल विनेगर नो चेंज एसिडिक और न्यूट्रल क्योंकि ज़्यादातर जो एसिड एसिड्स होते हैं वो टर्मरिक सॉल्यूशन में कलर चेंज नहीं करते हैं अपना लेकिन जितने भी बेस होते हैं वो टर्मरिक सॉल्यूशन में रेड में कलर चेंज करते हैं ठीक है रेड कलर के हो जाते हैं लाइक like, आपने कभी देखा होगा जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं उन पर टर्मरिक हल्दी के दाग लग जाते हैं और उन स्पॉट्स पर जब हम सोप या हम अपना जो वॉशिंग सोप होता है उसको रब करते हैं तो रब करने के थोड़ी देर बाद जो टर्मरिक के जो स्पॉट्स होते हैं वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं क्लियर तो सेम यहाँ पर भी यही है तो एसिड और न्यूट्रल में जो टर्मरिक सॉल्यूशन होता है वो उसमें कलर चेंज नहीं होता है लेकिन जब हम इसकी बेसिक सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये अपने कलर को चेंज कर लेते हैं तो लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया चेंज टू रेड कैसा है नेचर में बेसिक है बेकिंग सोडा चेंज टू रेड बेसिक लाइम वाटर चेंज टू रेड बेसिक शुगर नो चेंज एसिडिक और न्यूट्रल कॉमन सॉल्ट नो चेंज एसिडिक और न्यूट्रल क्लियर तो दिस इज अ टेबल नंबर फाइव पॉइंट थ्री इस टेबल्स के अकॉर्डिंग आपको टर्मेरिक सोल्यूशन के जितने भी हमने टेस्ट किए थे उन सभी के रिजल्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे आई होप यू लाइक दिस वीडियो So, students, that's all for today. I hope you like this video. So, please like, share, and subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Take care.